मैं दीपक रजक डीजे न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों पर। शहर के भुल्लनपुरा प्राथमिक विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों का और उनके माता पिता का सम्मान किया गया। साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों का भी स्वागत किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के अध्यापक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विधायक पन्नालाल शाक्य, कलेक्टर राजेश जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा शामिल हुए। स्कूलों में प्रवेश लें और अपना और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करें। सभी को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी बीच हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय पन्नालाल जी शाक्य हमारे बीच उपस्थित है। मैं डीपीसी साहब से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। स्कूल चलाए अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में जो हमने सर्वे किया था, एक करीब 5 महीने का कार्यक्रम का समय दिमाग में हमने सर्वे कर दिया और आज से दूसरी चरण में हम स्थिति हो रहे हैं और जिन बच्चों आवश्यक रूप से पढ़ाएं। शासन के स्कूलों में सब तरह की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट स्कूलों में काफ़ी अच्छा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी बच्चे हैं उन लोगों का सभी आवश्यक रूप से प्रवेश दिलवाएं। माननीय विधायक जी हमारे बीच में आ गए हैं। प्री मानसून की बारिश से ही नगर पालिका के इंतजामों की पोल खुलने लगी है, जबकि बारिश आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। ऐसा ही शहर की नानाखेड़ी मंडी के बाहर नज़ारा देखने को मिला, जहां पिछले दिनों होने वाली बारिश से सड़क पर पानी भर गया और शिकायत किए जाने के बाद नगर पालिका और मंडी प्रशासन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। हमने सलूजा जी से बात की, सलूजा जी कहते हैं मंडी की रोड है। सेक्रेटरी से बात की थी तो वो नगर पालिका जाओ सीओ कहते हो जो और जो उसकी किसी की रोड नहीं है। आज के बाद कोई नगर पालिका के कोई मंडी का आया है ना, जब हम उसको देखेंगे। अभी आप स्थिति देख रहे हो, स्टार्ट हुआ है बारिश का पानी स्टार्ट होने के लिए घरों में भर जाता। उधर उन्होंने क्या किया, वो सरकारी पुल पर जरा जरा से पुल डाल के लिए वो नाली बंद कर दी। वो जबकि वो महसरा का बच्ची पटवारी था, उसने रिश्तेदार के साथ नली छोड़ी करवाई का न कोई व्यवस्था। वो जब बीमारी ऐसे तो पानी छूटेगा या कि धूला उड़ती है। हमारे फैमड़ों में इतनी धूला जम रही है, सब्जेक्ट फ्री से भी नहीं जा सकते। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हैं? आगे जो नालियाँ साफ बने और जो कम से कम नालियाँ बन के कचरा हो सेंटर स्कूल के बच्चे यहाँ पे गिर गिर जाते हैं। मेन रोड है जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार अग्रवाल। पिपरौदा खुर्द से अपनी समस्याएं लेकर आए एक दिव्यांग युवक ने बताया कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ना ही उसे पेंशन मिल रही है। गांव का सचिव भी उसे पेंशन ना मिलने की बात कह रहा है। इसकी शिकायत लेकर 21 वर्षीय लेखराज लोधा कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिसने पैसे मांगे उसका सबका नाम बता देना। मेरा नाम लेखराज लोधा है। कहाँ से आए हो आप? पिपरौदा खुर्द से। तो क्यों आए हो, क्या आवेदन देने आए थे? हमारी पेंशन नहीं बन पा रही है, सेक्रेटरी ने 1400 रुपए मांगने की कोशिश। कौन सेक्रेटरी है? राम स्वरूप सेक्रेटरी। सहायक सेक्रेटरी राम स्वरूप। मिली है आप कलेक्टर साहब से? नहीं मिली।
क्या उम्र है तुम्हारी? 21 साल। क्या नाम है? लेखराज लोधा। अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सभा के सदस्यों ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी है। मंदसौर में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों पर गोली चलाने वालों पर सरकार कार्रवाई करे और उन्हें जेल में डाले। वहीं किसान सभा ने शिवराज सिंह सरकार का पुतला भी जलाया। आज अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा अभी पिछले दिनों मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाकर जो हत्या कर दी हुई उसके विरोध प्रदर्शन में आज पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा धरना प्रदर्शन कर भाजपा की किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पुतला दहन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र दे करके 11 मांगों को मनवाने के लिए हमने कहा है। और इसमें प्रमुख मांगों में कर्जा माफ़ करना और इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों ने किसानों के ऊपर गोली चलाई है, जिन किसानों की हत्या की है, उन पुलिस जवानों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी नौकरी छीन करके उन्हें जेल में डाला जाए और जिस अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो आदेश दिया उसके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे जेल में डाला जाए। इसको लेकर के हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। अगर ये मांगे नहीं मानी तो हम और उग्र और बहुत ही ज़्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। मैं मनोहर मिरोटा। मंदसौर की घटना और किसान आंदोलन के बाद अब व्यापारी भी काम बंद किए हुए हैं, जिसका असर मंडी पर साफ देखा जा सकता है। मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अपनी उपज बेचने आया एक किसान भटकता हुआ नजर आया। उसे किसी ने जवाब तक नहीं दिया कि मंडी में काम क्यों बंद है। मंडी बंद है, आज ही हुई है मंडी बंद, कल से नहीं थी, आज ही हुई है। और अभी तक ना तो कोई व्यवस्था है ना कोई ये बता रहा है कि मंडी कब खुलेगी। क्या लेके आए थे? हम मूंग लेके आए थे, हरी मूंग। कहाँ से? बालाघाट। क्या दिक्कत पैदा हो रही है? दिक्कत ये पैदा हो रही है कि यार कि जहाँ पे कोई भी ये नहीं बता रहा है कि मंडी कब खुल सकती है। क्या नाम है आपका? सुनील। जैन मंदिर में इन दिनों जैन समाज के चुनावों की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार जैन समाज के चुनावों के उम्मीदवार हैं। नया अध्यक्ष चुनने गुरुवार को वोट डाले गए, जिसमें पहले सदस्य चुने जाएंगे, इसके बाद जीतकर आए सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। राजू भाई साहब कहाँ है? अरे नहीं, खड़े हुए 15 सदस्यों को इसमें चुन के आना, इसके बाद में जो है फिर इसके बाद में वोट बनाएंगे, कमेटी बनाएगी। इसमें वोट कौन कौन देते हैं? जैन समाज के लोग देंगे सभी। राजू बालक हैं, सभी देंगे। कायम कुमार जैन, राजू पटेल। पिपरौदा पंचायत से आए एक जनपद सदस्य ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर बताया कि वह लंबे समय से पंचों की सूची मांग रहा है, लेकिन उसे अभी तक सूची देने से मना किया जा रहा है, इसे जल्द ही दिलवाया जाए। आवेदन बताना। हमारी समस्या ये है, मैं ग्राम पिपरौदा पंचायत को जनपद सदस्य हूँ, मेरे द्वारा सूची मांगी गई पंचों के द्वारा, तो उन्होंने मेरे लिए मना कर दी और गाली गलौज कर दी, इसलिए मैं आवेदन कलेक्टर साहब महोदय को देने के लिए आया हूँ। कौन कौन ने गाली गलौज किया? पंकज महाराज। कौन सेक्रेटरी? कौन सी जगह के हैं? जी गढ़ा के हैं। गढ़ा से? आप कहाँ से आए हो? मैं जनप्रतिनिधि हूँ गढ़ा से। गढ़ा से नहीं, ग्राम पिपरौदा पंचायत से। 25 नंबर वार्ड से, रामकृष्ण कुशवा। डीजियाना न्यूज़ में आज खबरों का सिलसिला बस यहीं समाप्त होता है।
कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।